हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही 50 पेटी अंग्रेजी शराब से भरी पिकअप गाड़ी को मुंडकटी पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मुंडकटी थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी पुलिस टीम बीती देर शाम मुंडकटी चौक पर वाहनों की रूटीन चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस नाके को देखकर हरियाणा से यूपी की तरफ जा रहा एक पिकअप गाड़ी चालक गाड़ी को नाके से पहले ही रोककर वापस मोड़ने लगा, जिस पर पुलिस को शक हुआ। शक होने पर पुलिस ने जब उक्त गाड़ी को काबू करके उसकी तलाशी ली तो पिकअप गाड़ी की ट्रॉली में बने एक केबिन से 50 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि मामले में एक विकास नामक युवक को मौके से गिरफ्तार किया गया है, जिसने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वह शराब को हरियाणा के किसी ठेके से भरकर बिहार के लिए ले जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेकर उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी। कल शाम को हमने पिकअप गाड़ी में लगभग 50 पेटी इंग्लिश शराब पकड़ी है और एक विकास नाम के नौजवान को उसने गिरफ्तार किया है। तो ये हरियाणा से किसी ठेके से भर के और बिहार के लिए लेके जा रहा था और इसमें जो पिकअप गाड़ी है उसके जो पीछे ट्रॉली होती है ट्रॉली के अंदर एक केबिन बना के और उसमें शराब को छुपाया हुआ था। पुलिस अपनी रूटीन चेकिंग पे थी, शक होने पे सडनली जब इस गाड़ी को चेक किया, शक हुआ और शक होने के बाद जब इस गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें शराब बरामद हुई। उसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया है, अभी उसको कोर्ट में पेश किया जाए। रिमांड लेके हम कोशिश करेंगे कि जहाँ से वो लेके आए हैं या और भी जो इसके सोर्सेज हैं उनका पता लगा के। सर कितने मतलब किस तरह से जा रही थी ये जो आपको पता लगा जो पिकअप में लोड होगा? पिकअप जो सब्जी के प्लास्टिक के कैरेट होते हैं ऊपर रखे हुए थे खाली और उनमें छुपा के ये लेके जा रहे थे। कितनी पेटी थी? 50 पेटी। अब क्या कार्रवाई करेंगे? अभी कार्रवाई कोर्ट में पेश करेंगे, जो जिसको अरेस्ट किया है अपराधी को उसको रिमांड पे लेंगे, तो रिमांड पे लेंगे बाकी की कार्रवाई।